हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। ये रीडिंग उसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट पाइल थ्री के लिए जो मैंने एक अपलोड की है रीडिंग लव रिलेशनशिप के ऊपर। तो जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज किया था पाइल थ्री वालों ने, उनके लिए रीडिंग है। क्योंकि मेरी जो है ना कैमरा जो है रिकॉर्ड करता है 30 मिनट्स के, उसके बाद वो कट ऑफ हो जाती है। तो ये मैंने वो दो उसमें पाइल वन पाइल टू इसमें है दूसरी वीडियो में, और ये पाइल थ्री के लिए है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन के लिए है ये रीडिंग। उनके लिए है जो स्पिरिचुअली ग्रोथ में है, सेपरेशन में है, या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो कुछ शायद मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपको इस आपके रिलेशनशिप के बारे में। और जो है पर फिर भी आप ध्यान रखें प्लीज़ कि ये जनरल रीडिंग है, थाउजेंड्स लोग थाउजेंड्स पीपल इसको देखने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे बिल्कुल भी, या हो सकता है इसकी पार्ट ऑफ इट रेजोनेट करे। सो प्लीज़ कीप इट जो रेजोनेट करता है और लीव इट जो रेजोनेट नहीं करता है। डोंट फोर्स द रीडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, राइट नाउ क्या सिचुएशन है। राइट नाउ आप शायद स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, अवेकनिंग कर रहे हो, बहुत कुछ अपने बारे में जान रहे हो। हो सकता है कि आप चक्रा हीलिंग में हो या सिर्फ हार्ट की ही हीलिंग कर रहे हो, या हार्ट आपका एक्सपैंड हो रहा है, शायद स्पिरिट गाइड से आप कनेक्ट कर पाए हो। तो आई थिंक ये आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे अकेले दिख रहे हो यहाँ पे, इट मीन्स आप जो है इस रिलेशनशिप से जो भी आपको हर्ट मिला था उससे आप हील कर पा रहे हो राइट नाउ, हील कर रहे हो, यानी कि हीलिंग वाले प्रोसेस में हो इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, ये हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो है आपका जो पार्टनर है उसको क्या मिलता है इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप से आपके साथ रहने से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पैशनेट एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। हो सकता है कि आपकी एनर्जी को वो पिक भी कर लेते हैं, यानी कि सक कर लेते हैं, यानी कि वो हो सकता है कि जिसको कहते हैं एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं वो लोग, जो खुद की उनकी एनर्जी होती है वो बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक होती है, लेकिन वो आपकी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं अपने पैशन को, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो उस वजह से जो है उनकी, आपकी ही वजह से जो है उनकी जो है इस रिलेशनशिप में आपकी वजह से जो है उनकी ग्रोथ होती है। तो आप देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे सैड या ड्रेन्ड लग रहे हो मेरे को, क्योंकि शायद उनको उन्होंने आपकी एनर्जी जो है पिक कर ली है और उससे जो है उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आपको क्या मिलता है इस रिलेशनशिप में, आपको क्या मिला इस रिलेशन में या क्या मिल रहा है? आइसोलेशन। आपने जो भी जिस पेनफुल पीरियड से निकल रहे हो, जिससे आप निकले हो, पेनफुल रहा है ये रिलेशनशिप, उससे आप हील कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, या मिला है कि आपने ना अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है, उस वजह से जो है आपने आपको अकेला करके अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क किया है, हीलिंग की है, मेडिटेशन या बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आपने अपनी एनर्जी और टाइम लगाया है, जिस वजह से आप देखो कितने निखर के आए हो, आप ट्रू सेल्फ और ऑथेंटिक सेल्फ बन गए हो, लाइट वर्कर बन गए हो, हीलर बन गए हो, ठीक है, या बन रहे हो राइट नाउ, जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ लव, जो अपने आपको प्यार करना सीख लिया है आपने, अपनी आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज आप देख सकते हो, रेड बो किसी रीजन से है, आपके पास सच स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, गिफ्ट हो सकते हैं, टैलेंट है स्पिरिचुअल गिफ्ट, लोगों को हील करने का, हीलर हो आप, जिस तरह का भी स्पिरिचुअल टैलेंट है आपको, आप वो सेल्फ वर्थ जो है अपनी समझ रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो यहाँ पे, ये कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। यानी कि ओवरऑल जो है आपने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की है ड्यू टू दिस पेनफुल रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम लोग, जो है आपको अपसेट क्या करता है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको अपसेट क्या करता है, आपको अपसेट करता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को, अभी भी जो है आपको मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट छुपाते हैं, क्लियरली सामने नहीं आते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो नार्सिसिस्टिक, मेरे को थोड़ी सी वो लग रही है, जो घर पे कुछ और बाहर
जो कुछ और उनकी इमेज होती है, बिहेवियर होता है, घर में कुछ और बिहेवियर कर दिखाते हैं, वो बाहर कुछ और शो करते हैं, जैसे उसने ग्लासेस डाली हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, ये चीज़ आपको अपसेट करती है कि अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद वो लोग चेंज नहीं हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हुई है, और वो अभी भी बहुत कुछ अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में छुपाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत अपसेट करती है। उनको क्या अपसेट करता है, आपके जो पार्टनर है उनको क्या अपसेट कर रहा है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, उनको क्या अपसेट करता है? उनको अपसेट करता है कि जब उनको अकेले में टाइम नहीं गुजारना है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी शैडो साइड पे, अपने जो ना है इनर जो है शैडो साइड है उनकी, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उसको ग्रो नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि इमोशनली उनके बचपन या यूथ में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें से वो नहीं निकलना चाहते, पास्ट में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी रहते हैं और उसी इमोशन में रहना चाहते हैं। पर जब आप इस रिलेशनशिप में होते हुए उनको वो इमोशनल कहते हैं ना एनर्जी नहीं देते हो, उनको अटेंशन नहीं देते हो, तो ये चीज़ उनको अपसेट करती है, क्योंकि वो अकेले में अपने साथ काम टाइम गुजारना नहीं चाहते हैं। तो जब ये अटेंशन आपसे नहीं मिलती है, उनको अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, वो अपने आप को हील नहीं करना चाहते, लेकिन ये अटेंशन जब आपसे भी मिलती नहीं है उनको, तो वो ये चीज जो है उनको अपसेट करती है। आपको किस चीज के ऊपर, पॉजिटिव चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप अपसेट होते हो इन चीजों से, जो भी हुआ पास्ट में हुआ या अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, अगर वो चीज़ें अपसेट करती हैं, वहाँ से हटा के आप अपना ध्यान कहाँ पे लगा सकते हो? ये चीज़ पे लगा सकते हो। किस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है? इस चीज़ पे कि आपने ओवरऑल कितनी ग्रोथ की है इस रिलेशनशिप में। आप देखते हो यहाँ पे, आप हो सकता है कि बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है ना, बहुत बार धरती पे आए हो, बहुत सारे सोल लेसन आपने लर्न किए हैं, बहुत वाइज सोल हो, बहुत ग्रो कर चुके हो, बहुत हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक प्राणी रूट है, बहुत ज़्यादा प्राणी ट्री होता है ना, उसकी इस तरह की रूट होती है कि आप कितने इतने पुराने और इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप जो है कि हीलर बन चुके हो खुद ही। जो जो ना ये पुरानी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे वो यूज़ की जाती हैं दवाइयों को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इस तरह से आप बन गए हो, आप इतनी पुरानी सोल, इतनी मैच्योर, इतनी वाइज सोल हो कि आप जो है अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंसेस से खुद को हील करके लोगों को हील कर सकते हो। तो इस ग्रोथ पे आपने फोकस करना है, इस ग्रोथ पे आपको अटेंशन देने की जरूरत है, बजाय कि इस रिलेशनशिप से पास्ट हर्ट पे या अपने पार्टनर की उस पे बिहेवियर पे आप अटेंशन दो। आपको अटेंशन इस चीज पे देनी है कि आपने जहां से ये सफर शुरू किया था अब तक आपने कितनी इसमें आपकी सोल ग्रोथ हो चुकी है, कितने सारे आपने लेसन लर्न कर चुके हैं आपको। और अब आप जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब जो है ना आप इमरजेंसी रूम से बाहर हो, यानी कि आपकी जो हर्ट है ना वो खत्म हो चुकी है, पेन खत्म हो चुकी है, क्योंकि शायद आप अपने आप सीख गए हो अपना ध्यान रखना, अपने आप को प्यार करना और अपने लिए स्टैंड लेना। तो कभी भी कोई कुछ गलत बोले, आपको अब्यूज करे, तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, तो क्योंकि आप ये सीख चुके हो, ये भी आपकी ये है लेसन है जिसमें से आपने ग्रोथ कर चुके हो। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग। अल्यूजन क्या है इस रिलेशनशिप में, भ्रम क्या है आपका, क्या भ्रम छिपा हुआ है इसमें, ये भ्रम ये छिपा हुआ है आपके इस रिलेशनशिप में कि आपको कभी भी ऐसा ग्रोथ करने को मिलेगी, या इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप ग्रो होगा, या कभी आपको ऐसी खुशी मिलेगी जिसको आप इंजॉय कर सको, यू नो, एक सोल लेवल की खुशी नहीं मिल सकती है, ये इल्यूजन है, भ्रम है आपका, क्योंकि वो ट्रू लव मेरे को यहाँ पे नहीं दिखता है, वो सच्चा प्यार नहीं दिखता, क्योंकि ये अनहील्ड जो है एक्सक्यूज मी, ये पर्सन अनहील्ड है, जो खुद अनहैप्पी है, खुद स्ट्रेस में है, वो लोगों को हैप्पीनेस नहीं दे सकता, जो खुद के प्यार नहीं करता या खुद को हैप्पी नहीं रखता रख सकता, वो दूसरों को हैप्पी नहीं रख सकता या रख सकती। तो
ये आपका इल्यूजन है, भ्रम है ये। दूसरा इल्यूजन क्या है यहाँ पे, बाकी चीजें टॉपिक्स के लिए एक एक कार्ड निकला है और यहाँ पे इस टॉपिक के लिए भ्रम के लिए तीन कार्ड निकले हैं। आपको लगता है कि वो भी अपना पार्ट करेंगे, जितना आप पार्ट डाल रहे हो, जितनी आप कोशिश कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी आप जो है इसमें जो काम कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में, और आप सोचते हो कि उतनी ही एफर्ट दूसरी तरफ से आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगी, वो एफर्ट्स आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये भ्रम के कार्ड हैं, ये आपकी इल्यूजन है। आप अपनी सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो ये सोच के कि कभी कभी वो लोग भी जो है पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। लास्ट कार्ड है यहाँ पे इल्यूजन का कि अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ में या आपके बुरे टाइम में या जब आपको हेल्प चाहिए होगी तो वो आपके अराउंड होंगे, ये भी आपको इल्यूजन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लाउड्स है, ये सिर्फ आपका भ्रम है कि वो आपके साथ में खड़े हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं। जैसे वो फिल्म का डायलॉग है ना, मैं हूं ना, तो आपको ये लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे आपके अच्छे बुरे टाइम में, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या ये वर्क करेगा, ये जो रिलेशनशिप है, इसके जो है काफी सारे वो हो सकते हैं, सिनेरियो हो सकते हैं, तो आपकी सिचुएशन बाकी लोगों से डिफरेंट हो सकती है, तो डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट लोगों के लिए वर्क करेंगे। हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन को पता है, फिर भी आप जो है एक कोड को आपने होल्ड किया हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मून को, मून जो कार्ड होता है वो होता है इंट्यूशन का। तो काफ़ी लोगों को, जो लोग ये पाइल को जिन्होंने चुनी है पाइल थ्री, हो सकता है आप लोगों को इंट्यूटिवली ऑलरेडी पता है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, या आने वाले समय में आपको पता लगने वाला हो, क्योंकि अभी आप हीलिंग से गुजर रहे हो, अभी आपकी सोल ग्रो करेगी, और हील करने के बाद, फॉरगिव करने के बाद, रिलीज करोगे जब आप जो सैड इमोशंस हैं आपकी बॉडी में से, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन ही बताएगी, आपको वही क्लैरिटी लेके आएगी कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप जो है ना, मून जो है वो साइकिल्स होते हैं, साइकिल फेसेस होते हैं, तो हो सकता है ये आपको पता है कि वो साइकिल खत्म हो गया, आप अभी भी उसको होल्ड करके बैठे हो। एक तो इंट्यूशन बताएगी आपकी तो वो क्लैरिटी आ जाएगी, सेकंड थिंग वो ये हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए कि ये फेस खत्म हो गया है, ठीक है, आप मतलब अब लेट कर रहे हो, थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, आप देख सकते हो, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी कोड रह गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप जैसे कह सकते हैं ना कि 99% आप लेट कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो, रिलीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस उसमें डिफरेंट वो करेगा, ठीक है ना, आपको इंट्यूशन वालों को जो है इंट्यूशन वो उनको पता लग जाएगा कि उनको अपनी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि जो है मून जो है इंट्यूशन का कार्ड होता है। या ये हो सकता है कि यूनिवर्स ने अभी आपके लिए सीक्रेट रखा हुआ है, ठीक है, अभी वो आपके सामने ये आंसर नहीं लाने दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो उसको भी कुछ महीने या साल लग जाते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए, हायर डायमेंशन में जाने के लिए, 5D में जाने के लिए, इन सब चीज़ों को जो है कुछ ईयर्स, कुछ साल लग जाते हैं, तब तक वो शायद आपको भगवान जो है अभी रिवील करना नहीं चाहते हैं कि आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, ताकि राइट नाउ जो है आप अपने ऊपर फोकस कर सको, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है अभी, तभी मैंने बोला ना कि अभी आपको ये शायद नहीं पता कि आप ये वर्क करेगा रिलेशनशिप ये नहीं करेगा। वाई, क्योंकि अभी आप सोल एक्सपेंशन में हो, आपकी सोल एक्सपेंड कर रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपकी एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपके आसपास काम कर रहे हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। जब आपकी सोल ग्रोथ करेगी तो हो सकता है आपकी क्लैरिटी आ जाए, एक आप शायद हीलर और बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन बन जाओगे, जिससे आप अपने लिए एक वाइज डिसीजन ले सको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। पर राइट नाउ जो है आपकी सोल एक्सपेंशन के ऊपर
काम चल रहा है जो कुछ महीने या कुछ साल उसके ऊपर लग सकते हैं। और हो सकता है कि आप हीलर बन के, वाइज बन के जो है एक स्पिरिचुअल गुरु भी निकल के आओ, वो भी मेरे को नज़र आ रहा है एक्सपेंशन से, कि एक स्पिरिचुअल गुरु बनो जो अपने एक्सपीरियंस को बांटे, लोगों के साथ शेयर करें, उनको हील करें, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो लोगों की उनको हील करने के लिए, ये भी हो सकता है। आउटकम क्या है? आउटकम यहाँ पे है, आउटकम वैसे मैंने इसलिए निकाली थी ये देखने के लिए कि यहाँ पे एंडिंग है या नहीं है इस साइकिल की, इस रिलेशनशिप की, लेकिन उसकी जगह ये निकला है। मेरे को लगता है इन कार्ड से जो लास्ट में कार्ड निकले हैं, इनसे यही मेरे को पता लगता है कि ये जो कार्ड है ना, अभी आपको भगवान जो है रिवील नहीं करना चाहता, ताकि आप जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और उस अगेन सैडनेस में ना चले जाओ कि हाय ये टूट जाएगा, ये नहीं रहेगा, ताकि आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपने हील करते रहो, उस चीज़ पे टाइम लो अपनी सोल एक्सपेंशन के ऊपर, भगवान ये चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरे को लगता है आउटकम में भी वर्कोहॉलिक निकला है, यानी कि आप जो है अभी शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ, और शायद आने वाले टाइम में या अभी राइट नाउ भी आप जो है अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर या अपने स्किल्स के ऊपर काम करने वाले हो, सीखने वाले हो कुछ, ताकि जो है आप इंडिपेंडेंट बन सको, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सको, उससे पहले कि आप कोई डिसीजन लो, अपने आप की सोल एक्सपेंड कर सको, अपनी हीलिंग कर सको पूरी, और अपने जो है कोई भी टैलेंट आपका गिफ्ट है या स्पिरिचुअल गिफ्ट है या स्पिरिचुअल पावर है, साइकिक गिफ्ट्स हो सकते हैं ये, हो सकता है आप टैरो रीडर बनो, हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर बनो, जो भी स्किल है, ताकि आप उसको डेवलप कर लो अपने लिए, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लो, तब तक शायद आपको भगवान जो है वो रिवील नहीं करेगा कि इस रिलेशनशिप का क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि आप अपने स्किल पे काम करने वाले हो, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो नियर फ्यूचर में आप अपने आप को स्किल पे काम करोगे, मास्टर करोगे, तो हो सकता है अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर और इसके ऊपर अपनी मेहनत लगाने वाले हो, ताकि आप जो है फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सको, ये है आउटकम आपकी। तो सीरियसली मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा साइकिल के फिनिश होने का या एंडिंग होने का, तो आप अपनी इंट्यूशन या आने वाले टाइम में जो है आपको शायद ये क्लैरिटी आपकी एक्सपेंशन के साथ आपको शायद क्लैरिटी खुद ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे है फेरी कार्ड है मिरेकल हीलिंग, ये इसी से है कि आप जो है मिरेकल हीलिंग हो रही है, आप हील कर रहे हो अपने चक्रास को, हील कर रहे हो इमोशनली, हील कर रहे हो यहाँ पे, हो सकता है कि थ्री पार्टी चक्र भी हो यहाँ पे, तो आप जो भी है यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी, इसी वजह से जो है अभी आपको बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं अभी दिखाई जा रही है यहाँ पे, ताकि आप अपने ऊपर काम करते रहो। लास्ट कह रहा है मैजिकल रिलेशनशिप इज वेटिंग फॉर यू विद ग्रेट एक्साइटमेंट, हो सकता है कि आप नियर फ्यूचर में ही जो है यहाँ पे अपने वर्क के ऊपर, ठीक है, किसी ऐसे उसको मिलो, या फिर जो है हो सकता है आपका पुराना रिलेशनशिप भी जो है आपके रिकनसाइल करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं निकली है। तो एक जरूर उन्होंने बताया कि मैजिकल रिलेशनशिप जो है आपके लिए वेट कर रहा है विद ग्रेट एक्साइटमेंट, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मैजिकल हो सकता है आपके लिए। सो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रोज़ डेली जो है यहाँ पे अपलोड करती हूँ, शायद वो आपके लिए आपको गाइडेंस दे डेली लाइफ के लिए। और जो है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल एड्रेस दी हुई है, आप मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है मेरा angelguidance2020@gmail.com, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।